दोस्तों इस वीडियो में आपसे बात करूंगा मशीन लर्निंग के बारे में और आपको बेसिक बताऊंगा मशीन लर्निंग होती क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं आरपीएम टेक टिप्स। और दोस्तों मशीन लर्निंग ये वर्ड जो है आपने काफ़ी सुना भी होगा, हो सकता है आप इसको यूज़ भी कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है आपको यूज़ भी कर रहे होंगे। मशीन लर्निंग एक ऐसा एक आने वाला फीचर में काफ़ी काम में आ सकता है हमारे। मशीन लर्निंग जो होती है वो एक ये पार्ट होता है मशीन लर्निंग एआई का और कंप्यूटर साइंस का भी एक पार्ट है एक तरह से हम बात करें तो ये मशीन लर्निंग काफ़ी एक तरह से आने वाला फ्यूचर है एक तरह से हम बात करें तो मशीन लर्निंग हमारा। अब मैं आपको पूरा तो नहीं बता सकता मशीन लर्निंग क्या होती है, किस तरह से वर्क करती है, क्या क्या इसमें होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, इसमें बहुत कुछ होता है। मैं आपको जो बेसिक मुझे पता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जो मशीन लर्निंग है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है यहाँ पे। एक होता है सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। अब सुपरवाइज्ड में जैसे कि आप यूज भी करते होंगे सुपरवाइज्ड, जैसे कि मान लो आपका जीमेल अकाउंट है, वहां पे आपने देखा होगा अलग अलग कैटेगरी मेल में आप डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि आपने पहले देखा होगा एक ही कैटेगरी आती थी हमारे पास, जो जीमेल जो मेन अकाउंट होता था हमारा, वहां पे सारे मेल जो होते थे हमारे वो एक ही में मिक्स होते थे। अब उन्होंने क्या कर दिया है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। अब उनको अलग अलग, वो करता कौन है, ये मशीन लर्निंग ही करता है। यानी कि जो फेक मेल होते हैं वो सारे आपके स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं और जो प्रमोशनल मेल होते हैं वो प्रमोशनल करके एक फोल्डर उन्होंने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया है, उसमें चले जाते हैं। और जो मेन आपके मेल होते हैं किसी फ्रेंड ने भेजा या कोई इंपॉर्टेंट मेल है वो आपके मेन जो अकाउंट है उसमें मेल में आता है। तो ये एक मशीन लर्निंग का एक पार्ट है जो कि सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का एक पार्ट है। तो इसको हम एज एग्जांपल ले सकते हैं सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग का। अब अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में क्या होता है, इसका एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। सेल्फ ड्राइविंग कार, सेल्फ ड्राइविंग कार में ये इस तरह से वर्क करता है, जैसे हमने एक सेल्फ ड्राइविंग का जो सेटअप है वो उसको पूरा बता दिया। अब जो फर्स्ट जो रूट लेगी जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो फर्स्ट रूट लेगी, यानी कि यहाँ से मान लो आपको कहीं भी जाना है एक डेस्टिनेशन पे, अब वो फर्स्ट टाइम उस पर जा रही है तो उसको वहाँ पे वो सीख लेगी कि यहाँ पे इतने किलोमीटर बाद एक टोल आएगा, वहाँ पे हमको टोल देना है, इतने किलोमीटर बाद एक सिग्नल आएगा, तो वो एक बार में एक टूर कर लेगी। उसके बाद जब वो दूसरी बार उसी रूट पे जाएगी तो उसको पता होगा ऑलरेडी, तो वो पहले से बेहतर उसको कर पाएगी, पहले से बेहतर आपको का वहाँ पे एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। जब वो दूसरी बार किसी नए रूट पे जाएगी तो वहाँ पे भी उसको सीख लेगी, तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे एक तरह से हम बात करें तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एल्गोरिथम जनरेट होती है। यहाँ पे हमको जो खुद से मतलब एक प्रोग्रामर बैठ के एल्गोरिथम जनरेट नहीं करेगा, वो मशीन लर्निंग में एक ऐसा सेट ऑफ रूल हम यहाँ पे लाएंगे जो भी ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम बनाता रहेगा और वो एल्गोरिथम जो है हमारे काफ़ी काम में आ सकती है। तो मशीन लर्निंग एक इस तरह की यहाँ पे टेक्नोलॉजी है जो खुद अपनी जो एल्गोरिथम है वो क्रिएट करती है। तो सिंपल है, बस हम बात करें तो यहाँ पे जो एल्गोरिथम है वो हमें बनाने की जरूरत नहीं, प्रोग्रामिंग की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली प्रोग्रामिंग खुद भी कर लेगी। उसके हिसाब से जो उसको जो जिस पर्टिकुलर एक डिवाइस को बनाया गया है वो उसी हिसाब से उसको प्रोग्रामिंग भी खुद ही कर लेगा अपनी खुद की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये होता है बेसिक एक मशीन लर्निंग में। इसके आगे काफी सारे बेनिफिट हैं, बहुत कुछ इसमें है आगे सीखने को, मैं आगे आने वाली वीडियोज में उसको बताऊंगा, पूरी डिटेल में बताऊंगा। तो अभी सिर्फ ये बेसिक बताया मैंने आपको, समझ में आ गया होगा कि मशीन लर्निंग किस तरह से काम में आती है, किस तरह से अभी भी आप उसको यूज में ले रहे हैं। यानी कि एक सुपरवाइज मशीन लर्निंग का एग्जांपल मैंने बताया आपको, आपका मेल एड्रेस जीमेल में ये फंक्शन होता है, हालांकि सभी ये याहू पे भी यूज कर रहे हैं। तो काफी सारे ये जो फिल्टर हो जाते हैं, मेल फिल्टर करना या कमेंट फिल्टर करना, अगर यूट्यूब की हम बात करें तो ये सब एक मशीन लर्निंग में ही आता है, ये एक मशीन लर्निंग का ही पार्ट है। तो इस तरह से ये पूरा मशीन लर्निंग का यहाँ पे वर्क करता है और ये बेसिक डिटेल थी मशीन लर्निंग के बारे में। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका इस वीडियो को लेकर कोई भी सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जरूर से रिप्लाई करूंगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि रोजाना मैं आपके लिए टेक वीडियोस लेके आता रहता हूँ और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट जो आपको जानना जरूरत है वो मैं आपको देता रहता हूँ चैनल पे। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पे एक लिंक आ रहा है, सीधे आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। लास्ट के वीडियोज की लिंक यहाँ पे आ रही है, उनसे आप लास्ट के वीडियो देख सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।